चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेको नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, प्रतिशत लाभ के संदर्भ में कौन सा लेन देन सबसे अच्छा होगा। एक्चुअली हमें भी पता है कि लेन देन कौन सा अच्छा होगा, जो ज़्यादा प्रॉफिट देगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि 36 रुपये पे 17 है, 50 पे 24 है, 40 वाले में 19 है, 60 वाले में 29 है। यानी कि यही वाला मेरा ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा 29 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, 17 रुपये का प्रॉफिट मिला मुझे 36 रुपये पे, कोमा 24 रुपये पे प्रॉफिट मिला मुझे आपका 50 रुपये पे, 19 रुपये का प्रॉफिट है मेरे पास में आपका 40 पे, और 29 रुपये का प्रॉफिट है मेरे पास में कितना, 60 रुपये के। तो मैं इसे कंपेयर करूँगा, कंपेयर करके जो मेरे लिए आसान होगा, जो जिससे बड़ा होगा उसी को लूँगा, बाकी छोड़ दूंगा। इन इन दोनों का अगर मैं लूँगा तो मेरे पास में ये 6 × 6 हो जाएगा आपका, और ये 6 × 10 हो जाएगा। यानी कि 6 6 तो इसमें मेरे पास कॉमन है, इसे 10 से मल्टीप्लाई करो 170 हो जाएगा, और इसे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 54 = 4, 6 × 2 = 12, 12 और 5 = 17। यानी कि ये मेरे पास छोटा ही तो हो ही नहीं सकता, ये इससे ज़्यादा अच्छा है। अब इन दोनों को लूँगा तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 300 आएगा। 300 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 × 24 = 4 हासिल लगे, तो 6 × 2 = 12, यानी कि 144। तो इसे मल्टीप्लाई 5 से 9 = 45, और 5 × 2 = 10 और 4 = 14, यानी कि ये इससे छोटा है, यानी ये बड़ा है। इन दोनों में देखेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ 19 × 6 = 114, 144, और ये 4 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको मैं, 9 × 36 = 6, 3 × 4 = 8 और 3 = 11, 116। यानी कि ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेन देन मेरा ये अच्छा होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।